राजधानी में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी व जामिया हिदायत के संरक्षक मोहम्मद फजलुर रहीम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाल ही में भाजपा नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने प्रेस वार्ता के दौरान फजलुर रहीम पर गंभीर आरोप लगाए थे। किरोड़ीलाल ने जामिया हिदायत नाई की तड़ी सड़वा लालवास सहित संपूर्ण इलाकों को लेकर अवैध कब्जे बताया और कहा विशेष समुदाय ने अवैध रूप से 40 मस्जिद और 30 अवैध घुसड़खाने स्थापित किए, अब इन पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है, पीएमओ में इसकी शिकायत दर्ज करवाएंगे। फजलुर रहीम ने बताया कि किरोड़ीलाल मीणा ने कहा मंदिर माफिया की 1400 बीघा जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है, ये आरोप बेबुनियादी है। जामिया हिदायत का वक्फनामा सन 1972 में सेटलर अब्दुल रहीम द्वारा बनाया गया था, जो कि वक्फ बोर्ड पंजीयन सन 1974 में पंजीबद्ध हुआ था। वहीं फजलुर रहीम उक्त समय से ही वक्फ जामिया हिदायत के फाउंडर मुतवल्ली है। वहीं फजलुर रहीम ने कहा कुछ माफियाओं द्वारा जामिया हिदायत के वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण कर रहे हैं तथा फर्जी तरीके से इकरारनामे निष्पादित कर बेचने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके विरुद्ध पुलिस थाना जयसिंहपुरा खोर में सूचना दे और मामला दर्ज करवाया। किरोड़ीलाल मीणा का कथन है कि ये नया पाकिस्तान जयपुर के सड़वा मोड़ पर बसा दिया है, कथन अशोभनीय व देश विरोधी है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के 5 जजों के पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के जज द्वारा इसी प्रकार की टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा था कि भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान बताना अनुचित और देश की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ है। संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। मैं मीडिया के तमाम हजरात का, चैनलों का, अखबारों के नुमाइंदों का, करस्पोंडेंस का, एडिटर्स का, तमाम लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिससे वो हमारी रिक्वेस्ट पर, हमारी दरख्वास्त पर, हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए। आप हजरात के शुक्रिया और स्वागत के बाद में मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। भाई साहब जनाब, एक मिनट नहीं रहा, थोड़ा सा। मैं मोहम्मद फजलुर रहीम, जामिया हिदायत का फाउंडर मुतवल्ली और मौजूदा सदर मुतवल्ली हूँ। जून 2023 के अंदर लगभग 1.5 साल पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मुझे जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। एक मिनट में आप हजरात को जामिया हिदायत का मकसद भी मैं बयान कर देना चाहता हूँ। ये सिर्फ मदरसा नहीं बल्कि NIUS का सेंटर भी है। स्किल डेवलपमेंट की तालीम यहाँ बच्चों को दी जाती है और गरीब और नादार बच्चों को तालीम देना ये उसका बुनियादी मकसद है। बहुत सारी हिंदुस्तान की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से हमारा रिकॉग्निशन है। यहाँ से बच्चे तालीम मुकम्मल करने के बाद में अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अपनी चॉइस के मुताबिक जाते हैं और एडमिशन लेते हैं, जो कि या तो बेबुनियाद हैं या कोर्ट मैटर से मुताल्लिक हैं। इसी के क्लेरिफिकेशन के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। चूंकि इल्ज़ाम जो लगाए गए हैं उनकी बाबत अलग अलग अदालतों में मुकदमात हैं, इसलिए उनका जवाब देना एडवोकेट के ज़रिए देना वाजिब होगा। इसमें हमारे लीगल एडवाइज़र मेरे बाएं हाथ को एडवोकेट MA खान साहब हैं और मेरे राइट में मोहम्मद फारूक जिंदरान हैं और उनके राइट में अकबर खान हैं। अब मैं एडवोकेट MA खान साहब से ये गुजारिश करूंगा कि वो इन इल्ज़ामात के बारे में सिलसिलेवार आपको जानकारी दें। माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी ने BJP कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठे और वेग एलिगेशंस लगाए हैं, जिसका मैं पॉइंट वाइज हर एलिगेशन का जवाब आपको देना चाहता हूं। पहला एलिगेशन तो उन्होंने ये लगाया कि वक्फ की जामिया हिदायत की प्रॉपर्टी फजलुर रहीम साहब बेच रहे, ये इल्जाम सरासर झूठा और बेबुनियाद है।
जामिया हिदायत की वक्फ प्रॉपर्टी, जामिया हिदायत वक्फ सन 1972 में फजलुर रहीम के फादर ने क्रिएट किया था रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के जरिए, जो कि सब रजिस्ट्रार जयपुर सिटी में 11/12/1972 को रजिस्टर कराया गया था, जिसमें वो खुद मुतवली थे, उनके साथ उनके दो बेटे फजलुर रहीम और अताउर रहीम साहब मुतवली थे। तब से फजलुर रहीम साहब उसके फाउंडर मुतवली हैं। उसके बाद में मौलाना फजलुर रहीम साहब ने जामिया हिदायत के लिए मैक्सिमम प्रॉपर्टीज परचेज करी और उन सभी प्रॉपर्टीज का वक्फ बोर्ड में धारा 26 और धारा 37 में इंदराज करवाया। और इस वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर इनके भाई जियाउर रहीम, नदीम रहीम और रिजवान फहद रहीम शकील, ये फर्जी इकरारनामे करके प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त बाबत और इस पे जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं, जिसको लेकर हमने FIR जयसिंहपुरा खोर थाना में इन सभी के खिलाफ दर्ज करा रखी है, जिसकी कॉपीज हमारे पास अवेलेबल है। आप लोग चाहेंगे तो हम आपको दे देंगे, बल्कि फोल्डर में है, बाकी फोल्डर में भी आपको प्रोवाइड की गई है। फजलुर रहीम साहब ने कोई भी इकरारनामा, कोई भी सेल डीड या कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी दस्तावेज किसी भी वक्त प्रॉपर्टी के बेचान बाबत एग्जीक्यूट नहीं किया गया। तो करोड़ी लाल जी मीणा का ये एलिगेशन बिल्कुल बेबुनियाद और अनफाउंडेड है कि इन्होंने वक्त की प्रॉपर्टी बेच दी। अगर उनके पास कोई सबूत हो तो वो पेश करें, ऊपर हम पेश कर रहे हैं। हमने जिन जिन लोगों ने फर्जी इकरारनामे करे उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई, जो ट्रेस पास कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई। तो वक्त प्रॉपर्टी से मुतालिक हमने FIR दर्ज कराने के बाद में पब्लिक नोटिस भी अखबार में जारी करवाए, पब्लिश करवाए हैं, जिसमें आम पब्लिक को नोटिस दिया है कि कोई भी आदमी जामिया हिदायत की प्रॉपर्टी किसी से भी परचेज नहीं है, कोई भी परचेज नहीं करे, कोई भी आदमी इंक्लूडिंग खुद फजलुर रहीम साहब भी जामिया हिदायत की प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। तो पब्लिक को हमने कॉशन किया है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी मत खरीदिएगा। ये टाइम टू टाइम हमने बहुत सारे अखबारों में पब्लिश कराते रहे। और, तो ये कि वक्फ की जमीन ने बेच दिया सकते। और दूसरा मैं आपको कानूनी एतबार से बताऊं कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर एक बार वक्फ कर दी जाती है तो उसका किसी भी तरह से बेचान नहीं किया जा सकता। ये धारा 51A वक्फ एक्ट के अंदर, वॉइड ट्रांजेक्शन होता है। वॉइड ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कुछ भी लिखा पढ़ी कर लो आप, वो कागज जीरो वैल्यू है उसकी, वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो होता है। तो कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी कभी भी नहीं बेची जा सकती है, उसका ट्रांजेक्शन जीरो होता है। तो पहला एलिगेशन जो माननीय करोड़ी लाल जी मीणा ने लगाया कि वक्फ प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, खुर्द बुर्द कर रहे हैं, ट्रेस पास करा रहे हैं, ये टोटल बेबुनियाद है। हम तो उल्टे वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए FIR भी दर्ज करवा रहे हैं और कोर्ट में केस भी कर रहे हैं। इन वक्फ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड वक्फ ट्रिब्यूनल में अभी केस पेंडिंग है, इसलिए इससे ज्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं बता सकते। अब माननीय करोड़ी लाल जी मीणा ने दूसरा एलिगेशन ये लगाया कि 1400 बीघा मंदिर माफी की जमीन इन्होंने बेच दी। ये टोटल झूठा एलिगेशन है। मैं आपको बताऊं, मौलाना फजलुर रहीम साहब ने जामिया के लिए करीब 20-25 बीघा जमीन मानपुर सड़वा में परचेज की है। मानपुर सड़वा में जो जमीन है, आपको मालूम है एग्रीकल्चर लैंड का रिकॉर्ड जमाबंदी में होता है, गवर्नमेंट मेंटेन करती है उसको।
जमाबंदी में जो रिकॉर्डेड खातेदार है रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए इन्होंने 20-25 बीघा जमीन खरीदी है, उसके बाद उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में नामांतरण करवा के जामिया के नाम दर्ज कराई है, जिसकी सेल डीड और नामांतरण के कागज हमारे पास ओरिजिनल मौजूद है। जमाबंदी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सेल डीड सब सारी मौजूद है। ये 1400 बीघा का फिगर जमा मंदिर माफी की जमीन का टोटल फेक है, झूठा है, और इसके बारे में भी कलेक्टर एडिशनल कलेक्टर नंबर 2 के यहाँ रेफरेंस पेंडिंग है, जो केस चल रहा है। मंदिर माफी की जमीन के लिए मैं आपको कानूनी स्थिति एक बार बता दूं, 1952 में राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एंड रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट 1952 आया था, उसमें जो भी जागीरदार थे उस वक्त उनकी सबके जागीरदारी खत्म करके गवर्नमेंट ने वो सारी जमीनें एक्वायर कर ली थी। सिर्फ उन जमीनों पर जो काश्तकार खेती कर रहे थे उनको खातेदारी राइट्स दिए गए थे, और उन खातेदारी राइट्स जिनको मिले थे उनको बेचने का अधिकार था उस प्रॉपर्टी का। उन खातेदारों से आगे जमीन खरीदी है, उसका मंदिर माफी से कोई लेना देना नहीं है। मंदिर माफी की जमीन तो 1952 के एक्ट के तहत गवर्नमेंट में वेस्ट हो गई। इसलिए माननीय करोड़ी लाल जी का ये एलिगेशन के मंदिर माफी की जमीन पे इन्होंने कब्जा कर लिया, ये टोटल फॉल्स और इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अभी हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कंक्लूड कर लें, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन कीजिए। अभी मैं आपको इसी बारे में उदाहरण देता हूँ, कर्नाटका हाई कोर्ट के एक जज साहब ने एक मुस्लिम लोकेलिटी को पाकिस्तान कह के एड्रेस किया था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने 25 सितंबर को उन जज साहब को बुला के कंडेम किया, उनसे रिटन में एपोलॉजी ली, और अपने फैसले में उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र विरोधी बयान है, आप कैसे इंडिया के किसी पार्ट को पाकिस्तान बता सकते हो, ये निहायत बेहुदा राष्ट्रद्रोही एक्ट है, जो उन्होंने बिल्कुल कैजुअल मैनर में और गलत तरीके से कहा है। इसके अलावा तो क्या आपका सोसाइटी एक्ट में पंजीयन है तो जो जो भी आपकी प्रॉपर्टी है सोसाइटी एक्ट के नियमानुसार क्या उससे पंजीबद्ध है, पहली चीज। सेकंड बात यह कि जो आपने किरोड़ी लाल जी ने आरोप लगाए या आपने भी बयान दे दिया, उन्होंने भी दे दिया, अथॉरिटी छप जाएगी, सब कुछ होगा, लेकिन आप क्या कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। तीसरी बात यह आती है कि ये जो चीजें हैं क्या आप उसका मीडिया ट्राई कराने के लिए जो चीज अदालत में है आपने उसमें बात कही है, क्या मीडिया को जो 152 बीघा जमीन है उसमें ले जा सकते हैं आप? एक एक करके आप क्वेश्चन दें ताकि मैं उसका उस एक साथ 4-5 क्वेश्चन थ्रो कर देंगे। पहले हाँ, पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो हमारी संस्था है वो वक्फ बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड है, 600 नंबर पर वो रजिस्टर्ड है और उसकी तारीख है, उसकी रजिस्ट्रेशन आपको डॉक्यूमेंट में दिया गया है, डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। 152 बीघा जमीन ओपन लैंड है, आप चाहो तो उसको विजिट कर सकते हो, दिल्ली रोड के ऊपर है वो। और फिर भी अगर उनको ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस को का ऑर्डर है, वॉयलेशन किया है, तो वो गवर्नमेंट की SLP है, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं लगाते? गवर्नमेंट की अपील है, गवर्नमेंट की अपील में स्टेटस को का ऑर्डर दिया है, उनको लिबर्टी है कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट लगावे, जिसने भी कंटेम्प्ट करिए ही विल फेस इट्स म्यूजिक। मेरा सवाल ये था इसमें, हाँ, आप सुन नहीं पाए होंगे, वापस आपको बता दूं कि जब हम कोई एजुकेशन संस्था चलाते हैं, हाँ, तो नियम अनुसार उसका सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन होना, सोसाइटी एक्ट सुनिए आप बात सुनिए तो होना आवश्यक, क्योंकि जो आप यूनिवर्सिटी से आपने विचार विमर्श करेंगे, हमारा मकसद किसी को गलत बयानी के लिए पनिशमेंट करना नहीं है, हमें हमारी साफ गोई जाहिर करनी है आपके सामने कि ये बयान गलत है और कोर्ट डॉक्यूमेंट से ये साबित है।
जरूरी नहीं कि हम उनके लिए कोई प्रोसीड ही करें। करोड़ी लाल जी हमारे लिए बहुत बाइज्जत हैं, काबिल एहतराम हैं। हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इतने ऊंचे पद पर हैं कि अगर हमको बुला के क्लियरिफिकेशन ले लेते हैं तो हम सारी बातें उनको क्लियर कर देते हैं, और अभी भी अगर कोई मौका आएगा तो हमको क्लियरिफाई कर देंगे। हमारा कोई उनके खिलाफ कोई अदालत में जाने का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं, लेकिन उन्होंने चूँकि इतने गंभीर इल्जाम लगाए हैं तो उसका क्लियरिफिकेशन करना भी जरूरी है। इसलिए इल्जाम हैं वो पब्लिक डोमेन में आ गए तो सबको बताना भी जरूरी है कि सही क्या है। तो क्या सर राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इल्जाम लगाए गए? ये आपने करोड़ी लाल जी जवाब, ये उनसे पूछिए, उनसे पूछिए। कांग्रेस पे जो आरोप लगाए हैं उसका कांग्रेस प्रवक्ता जवाब देंगे। आपसे सवाल है क्या, आप किरोड़ी लाल मीणा को माफ कर दिया क्या? नहीं नहीं, माफ करने सवाल नहीं है, हम तो उनसे चाहेंगे। आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो या तो आप उनको माफ करो या फिर आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करो। ऐसा कोई जरूरी ऑप्शन नहीं है, आप जो ऑप्शन दे रहे हैं ये सही नहीं है। हम चाहेंगे कि उनसे मुलाकात हो, हम और ज़रा क्लियरिफाई करें उनको। वो हमारे एक माननीय मंत्री हैं तो हम उनसे ये चाहेंगे कि उनका ध्यान साफ हो जाए। ठीक है, वो कहना चाह रहे हैं क्या कि मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे? नहीं नहीं, नहीं गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप वर्ड फीड मत कीजिए, हाँ अपने वर्ड हमारे मुंह में मत रखिए। जी जी जी, हम क्या करेंगे? सवाल है मेरा। जी जी जी, मैं आंसर कर रहा हूँ, हमने अभी कोई विचार विमर्श नहीं किया। आपने उनको माफ किया, कोर्ट में जाएंगे ये हम तय करेंगे बाद में, अभी हम विचार करेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग।